अपनी शादी की वर्षगांठ पर आपने लोगों को पार्टियां मनाते या हिल स्टेशन की सैर करते खूब देखा होगा। लेकिन कटिहार की एक इंजीनियर दंपति अपनी शादी की वर्षगांठ पर शहर के सार्वजनिक जगहों पर वृक्षारोपण कर अनोखी परंपरा की मिसाल दी है। खास बात तो यह है कि प्लांटेशन का यह सिलसिला पूरा दिन चलता है और वो भी कैमरे की फ्लैश और चमक से दूर, जिसका संदेश ये है कि पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। निशा राज ने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए पेड़ लगाना जरूरी है। लगा रहे क्या उद्देश्य? पहले तो मेरी शादी के उपलक्ष्य में हम लोग पेड़ लगा रहे हैं ताकि पोल्यूशन फ्री हो पाए। और जैसे कि आम लोग को ऑक्सीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जगह जगह में पॉल्यूशन होता है जिससे कि पेड़ हमारा ऑक्सीजन नहीं अच्छे से लेवल पे दे पाता है, तो वो हम लोग हर जगह पेड़ लगा रहे हैं, उससे हम लोग को ऑक्सीजन लेवल भी अच्छे से मिल पाए। ये तस्वीर कटिहार शहर की है, जहां एक दंपति शहर के विभिन्न स्थानों पर पेड़ लगा रहे हैं। दरअसल निशा राज और राकेश राज पेशे से इंजीनियर हैं और अपनी शादी की वर्षगांठ पर शहर के विभिन्न चौक चौराहों और मंदिरों में जाकर पेड़ लगाते हैं। वृक्षारोपण की ये परंपरा निशा और राकेश की जोड़ी बिना किसी तामझाम से बीते 3 सालों से लगातार कर रही हैं। पौधा का मेन उद्देश्य है कि हमारे देश में या मतलब पूरा वर्ल्ड जो है अभी इन्वायरमेंट पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियां होती है और ऑक्सीजन का लेवल भी घटता जा रहा है, जिस कारण से हम वायु प्रदूषण को देखते हुए और हम लोग ऑक्सीजन को लेवल बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा देश भी सुरक्षित रहे, हमारा विश्व भी सुरक्षित रहे, जिसके कारण हम शादी के उपलक्ष्य के बाद हम लोग तमाम वैसे शहरों में वैसे जगह जहाँ की पोल्यूशन की मात्रा बहुत काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, उस जगह में हमने वृक्षारोपण का अभियान चलाया है। क्या नाम हुआ? राकेश राज। पृथ्वी की संपूर्ण जीवन पर्यावरण पर आधारित है। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र जीवन प्रदान करने वाला ग्रह है, जिसमें प्रकृति का संपूर्ण सहयोग है। ऐसे में इंजीनियर दंपति की ये पहल सराहनीय कदम कहा जा सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से राजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।